उसमें हरिनाम की क्या महिमा है वो अष्टक में बताए। बोले निखिल श्रुति मौली दुति माला पाद पंकज रूप गोस्वामी कहते हैं अगर जितने सारे वेद पुराण उपनिषद ये जितने सारे को सारे क्या करता है भगवान नाम की महिमा को गान करता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले एतत् निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकूत भयम जोगी नाम निपन निर्मित हरे नामानुकीर्तन। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं ये हरिनाम को कौन कौन करते हैं बल हरिनाम को तीन व्यक्ति करते हैं। कितने लोग करते हैं? तीन। कितने लोग करते हैं? तीन। तीन। बोले कौन कौन? अगर कोई बोले हम तो बद्ध जीव है संसार में भटक रहे हैं दुख कष्ट को भोग करते इसलिए हम ये हरिनाम करते हैं। बोले नहीं बोले एतत् निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकूत भयम्। कहते एतत् निर्विद्यमाना नाम मतलब होता है जो लोग सबके सब संसार से मुक्त हो चुके हैं हरिनाम कौन करते हैं? कहते जो व्यक्ति संसार से संपूर्ण मुक्त हो चुके हैं वो भी हरिनाम को ग्रहण करते हैं। बोले कौन कौन? बोले देखो श्री शंकर जी, शंकर जी भी हरिनाम करते हैं इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रांसलेशन कर रहे हैं अरे घर में तुमने एसी नहीं लगाया अगली बार आएंगे तो एसी होनी चाहिए। पूरा पूरा घर को तोड़ दो इधर नहीं खुलेगा तब तब से हवा ग्रस करेगी और सांग चलो जब कीर्तन करेंगे तो बंद कर देंगे। हाँ गर्मी हो रहा है ना प्रभु जी ने इतने कीर्तन कर दिया कीर्तन हरे कृष्णा प्रगटाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं हरे कृष्णा ओके एवरीथिंग। इसलिए हरि नाम को कौन कौन करते हैं बोले जो संसार से मुक्त हो चुके हैं जैसे श्री शंकर जी। शंकर जी कौन है? बोले सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। कहते श्री भोले बाबा भी कहते ये हरिनाम को शंकर भी जप करते हैं इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। शंकर जी भगवान का नाम को ऊपर में उन्होंने जगत को मुक्ति प्रदान करते हैं बल्कि इसकी महिमा पर बल नाम की प्रभाव। इसलिए पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। इसलिए शंकर जी राधिका उसको बोलो बेलन को ऊपर नहीं उछाले। इसलिए कहते पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए शंकर जी की जगत में इतने पूजा हो रही है कारण शंकर जी भगवत नाम को शंकर जप करते हैं। बोले श्री माता देवी जी है उनका आठ हाथ देखना आठ हाथ में भी एक हाथ में माला है माता देवी की। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सुने प्रिय वाणी जपी जय संग प्रिय भवानी। शंकर जी पार्वती को इतने प्रेम क्यों करते हैं? शंकर जी पार्वती को इतने प्रेम क्यों करते हैं? गोस्वामी जी कहते यही कारण है माता पार्वती भगवान के नाम जप करती है। इसलिए अब भागवत में कथा सुने होंगे श्री चित्रकेतु महाराज जब कैलाश में पहुंचे देखा शंकर जी पार्वती को गोद में बैठा कर रखे थे। अब भागवत सुने कि नहीं सुने हो? शंकर जी पार्वती को गोद में बैठा कर रखे थे
जिसको चित्रकेतु महाराज देख करके टोंटिंग किया और माता जी चित्रकेतु को अभिशाप दिया, तुम राक्षस जन्म में जाओ। अभी प्रश्न है, शंकर जी देव देव महादेव पत्नी को गोद में कहां पर बैठाते हैं? एकांत में। पत्नी को गोद में कहां पर बैठाते हैं? एकांत में, सभी को सामने नहीं। यहां प्रश्न होता है, पर शंकर जी देव देव महादेव होकर के पर पार्वती को गोद में क्यों बैठा रखे थे? इसका रहस्य बताए कि अगर शंकर जी कहते, अगर कोई व्यक्ति कहीं भी रह करके एक बार कृष्णा नहीं तो एक बार श्री राम का नाम ग्रहण करे, शंकर जी जो व्यक्ति एक बार केवल कृष्ण नहीं तो राम का नाम ग्रहण करते हैं, शंकर जी दूर से उनको प्रणाम करते हैं। शंकर जी दूर से उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन पार्वती को फिर गोद में क्यों बैठा कर रखे? बोले कारण है, कहते श्री पार्वती हर समय भगवान के नाम को जप करते हैं, हर समय पार्वती भगवत नाम जप करती है पार्वती, इसलिए शंकर जी ने देखा जो एक बार कृष्ण और राम का नाम लेते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूँ, जो हर समय भगवान के नाम जप करती है उसको कहाँ बैठानी चाहिए? उसको गोद में बैठानी चाहिए, समझ गए हो? इसलिए क्यों शंकर जी पार्वती को गोद में बैठाते? कारण यही है, हर समय माता पार्वती बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते माता पार्वती भी भगवत नाम जप करती हैं। कहते श्री नारद जी, नारद जी क्या करते हैं? इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण राम, हरि नाम अमरि उदित है भक्त गीत सामे, उदित है भक्त नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नाम, हर समय नारद जी बिना में किसका नाम को रचना करते हैं, किसका नाम जप करते हैं? बोले राधिका रमण नामे, राधिका जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। इसलिए नारद जी हर समय राधा कृष्ण का नाम जप करते हैं। बोले श्री हनुमान जी, हनुमान जी क्या करते हैं? बोले हनुमान जी भी बोले सो मेरी पवन सो तपा बन नाम आप न बस करे राख राम। इसलिए सुमेरी पवन सुत पावन नाम, हर समय हनुमान जी भगवान की पवित्र नाम को जप करते हैं। और क्या करते? भगवान राम को उन्होंने बसीभूत कर लिया। इसलिए यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते हैं, हरिनाम को कौन कौन करने वाले हरिनाम है?
मतलब केवल बद्ध व्यक्ति बद्ध जीव की ही हरिनाम कर रहे, ऐसे बात नहीं, जो मुक्त महापुरुष है वो भी भगवत नाम को जप करते हैं। क्यों? भगवत नाम में इतने मीठा, इतने मधुर भगवत नाम में कहते श्री रूप गोस्वामी कहते मुक्त कुल रूपस्तमान हरिनाम संश्रयामी, कहते जो मुक्त कुल में जो मुक्त हो चुके हैं वो भी भगवत नाम को जप करते हैं। इसलिए एक हमारे हिंदी भजन है, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल दिल मजबूत है ना वही जप कर सकता है। नहीं तो आप देखना कोई सिगरेट फूंकता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई वेश्या घर में गमन करता है, देखना कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन थोड़ा तिलक लगा लो, थोड़ी गले में कंठी पहन लो और थोड़ी सी माला जपना शुरू कर दो, बोले ये कौन सा बीमारी तुम्हारी है, ये सब कौन सा बीमारी, सब कट्टे में तिलक माला ये सब क्या है। इसलिए आप देखना लोग सिगरेट पीने के लिए शर्माते नहीं, आप शराब पीने के लिए शर्माते नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं शर्माते हैं, लेकिन जब किसको बोलो हरि नाम करो, हरि सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग, अंडरस्टैंड, समझ गए हो, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग, हमें ये शर्म लगता है, सबसे बड़ा रोग क्या है, अरे अगर तिलक लगाएंगे फिर लोग हमें क्या बोलेंगे, अरे तुम क्या साधु बन गए हो, भैया साधु नहीं बन गए क्या चोर बन गए, आप ये बताओ क्या हम साधु नहीं बन गए क्या चोर बनेंगे, बनेंगे तो साधु ही तो बनेंगे ना, चोर थोड़ी बनेंगे। हाँ देखो ये चीज को समझो, इसलिए यहाँ पर कहते कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, भैया जिसका दिल मजबूत है ना, जिनका दिल मजबूत है वही व्यक्ति हरिनाम तिलक कंठी माला लगा सकता है। जिनको हैं कहते लाज लज्जा भय और तीन थकना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं लाज मतलब शर्म हैं, भय लाज लज्जा भय तीन थकना, अगर प्रभु का भजन करने के लिए ये सारे शर्म
लाज सरप इसको त्याग देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर निर्विद्यमाना नाम श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं हरिनाम को कौन कौन हरिनाम करते हैं, केवल बद्ध जीव हरिनाम करते ऐसे बात नहीं, कहते श्री मुक्त कुल रूपास्य, जो मुक्त कुल है श्री ब्रह्मा जी शंकर जी नारद जी माता देवी गणेश जी हनुमान जी सुखदेव गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो संपूर्ण मुक्त हो गए हैं वो भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 लव यू बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले एतत् निर्विद्यमानानां, बोले दूसरा व्यक्ति कौन हरि नाम करते हैं, बोले इच्छताम अकूत भयम्। अगर कोई अकूत भयम्, अकूत भयम् मतलब क्या है, जिसको संसार में आनंद में रहना है, जिसको संसार में शांति सुख में रहना, अकूत भयम् जो निर्भय में रहना चाहते हैं, जो जीवन में शांति में सुख में रहना चाहते हैं, सुतो गोस्वामी कहते हैं उन्हें तो हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं भैया वही व्यक्ति ही संसार में शांति सुख में रहते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो जितना दूर प्रभु का भक्ति करता है उतना ही शांति सुख, और जितने भक्ति से जो जितने दूर रहते हैं, कोई कोई सोचते हैं भैया ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना, ज्यादा हीरो कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। भैया अगर ज्यादा हीरो कमाने पर सुखी रहते ना, रावण सबसे ज्यादा सुखी होता। रावण सोने की लंका, हमारे पास में कितना सोना होगा, 1 किलो होगा, कितना है 2 किलो है 10 किलो 20 किलो, लेकिन उसका लंका सोना ही, डाइनिंग रूम सोना, किचन रूम सोना, बाथरूम सोना है, और बेडरूम सोना सोना ही सोना है, सोना ही सोना उसको घर में। अगर ज्यादा पैसा हीरो होने से सुखी होता ना रावण सबसे, वो ज्यादा सुखी होता, लेकिन रावण सबसे जगत में ज्यादा दुखी था। इसलिए सोचते हैं शायद किसी सुंदर छोरी से शादी हो जाए ना, शायद ज्यादा सुखी हो जाए, समझ रहे, किसी अच्छी लड़की से अगर शादी हो जाए तो सोचते शायद सुखी हो जाएगी। रावण का पत्नी का नाम क्या था, मंदोदरी। मंदोदरी मतलब क्या होता है, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसका कमर बड़ी पतली, उस समय म्यूज इनवर्स होती, विश्व सुंदरी। आप लोग रामायण सुने हो, जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए गए ना, हनुमान सीता को ढूंढने के लिए गए, सीता को ढूंढ रहे थे, कहाँ सीता माता जी, इतने में उन्होंने मंदोदरी को देखकर कंफ्यूज हो गए, मंदोदरी को देखकर कंफ्यूज, क्योंकि मंदोदरी इतने सुंदरी मंदोदरी थी, सारे सुंदरता की मूर्ति थी, इसलिए उस कंफ्यूज हो गए हनुमान, यही तो माता सीता नहीं, इतने सुंदरी थी, इसलिए वो विश्व सुंदरी किसका बेटी थी, विश्वकर्मा आर्किटेक्ट उसका बेटी थी, उन्होंने जितने सारे सदगुण देकर के अपना बेटी बनाई थी है। सोचते हैं शायद घर में अच्छा छोरा हो जाए, बेटा हो जाए, सुखी हो जाएगी। उसका बेटा का नाम था मेघनाथ, इंद्रजीत, नाम सुने, इंद्र को जिसने जय किया और पिता के लिए उसने बलिदान दे दिया प्राण को, जब उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर में 3 अस्त्र उन्होंने प्रयोग किया, जो अचूक, जो अस्त्र का कोई तोड़ नहीं, जो अस्त्र को कोई छेद नहीं कर सकता, उन्होंने पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को परिक्रमा करते हुए उजाला हो गया, कहीं अंतर्ध्यान हो गया, फिर उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाया, शंकर स्वयं वो भी प्रणाम करते हुए चले गए, उन्होंने अंतिम जो सर्वश्रेष्ठ अस्त्र जिसको मारेगा ही वो था नारायण अस्त्र, सुदर्शन चक्र चलाया, लक्ष्मण को परिक्रमा करके चला गया,
समझ गए ये नर नहीं ये नारायण है, ये नर नहीं ये नारायण। पिताजी को बोले, लेकिन पिताजी बोले कहां से दो छोकरे कहां से आ गए, इन तरह को भ्रमित हो गए। तो उन्हें लास्ट में बोले पिताजी अगर मैं मर गया ना समझना उसको कोई जीत नहीं सकता है, सीता को वापस दे आना। तो इतने पिताजी के लिए उन्होंने प्राण को त्याग दिया, इतने अच्छा आज्ञाकारी मेघनाथ हैं, लेकिन इतने सब कुछ रहते हुए भी सुखी नहीं। आप लोगों ने सुने हैं हनुमान जी लंका में आग लगाया, कौन कौन सुने हो, कौन कौन सुने हो हनुमान जी लंका में आग लगाया। आप लोग ये बताओ जब लंका सोने की थी सोने में कहीं आग लगती है, आप बताओ बता सोने में कहीं आग लगती है, सोने में, सोने को आग लगाओ ना उतना चमचमाता है, उतना तेज होता है। लेकिन ये कहते हनुमान जी सोने में आग लगा दिया, मतलब क्या? देखो यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा दिया। हनुमान जी कौन है? बोले स्वयं शंकर है। यहाँ शिक्षा देते हैं तुम्हारी सोने की संसार क्यों नहीं हो, तुम्हारी संसार सोने की मतलब हर तरह से तुम्हारी संसार भरपूर है, लेकिन अगर राम से विमुख रहोगे भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना वो सोने की संसार में भी शंकर जी आग लगा देंगे, हनुमान जी आग लगा देंगे। लेकिन उन्होंने केवल एक व्यक्ति का घर को छोड़ दिया, किसका घर छोड़ दिया, किसका, विभीषण। बोले क्यों, कारण किया? बोले कारण है हनुमान जी शिक्षा देते हैं जो केवल मेरे प्रभु की शरण में आएगा ना, जो केवल मेरे प्रभु की शरण में राम की शरण में कृष्ण शरण में आएगा वही बचेगा, नहीं तो कोई भी बचेगा नहीं। भले ही तुम्हारी सोने की संसार की नहीं हो उसमें आग लग करके तुम्हारी ध्वंस हो जाएगी। इसलिए यहां पर कहते हैं इच्छताम अकूत अभयम, अगर कोई संसार में अभय पाना चाहते हैं, संसार में सुख और शांति में रहना चाहते हैं, क्या करो? बोले हरि नामानुकीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन करो, हरि का नाम। बोले तीसरा व्यक्ति कौन है? इच्छताम अकूत भयम, बोले जोगी नाम नृप निर्णित। बोले जितने जोगी, जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण, जितने सब ऋषि, इन लोगों ने सारे शास्त्र को मंथन किया है, मंथन करके निकाला किया शास्त्र का सार किया है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले से हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राधे। इसलिए हम लोग थोड़ी सी हरि नाम कीर्तन करेंगे और सुंदर गोपाल भक्त सब पागल बना दिए सबको, हरे कृष्ण ठीक है, मेरे पीछे पीछे तरह कीर्तन करो। बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे Krishna.
सोर्न मिलित मुझे ना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है क्योंकि आज हम सबके सब श्री राजसव प्रिया जी के घर में हम सबके सब और हरिकथा के लिए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती कहते अति हरि कृपा जा पर होई पाव देही यह संगत सो। कहती भगवान की कथा कीर्तन को कौन सुन सकते हैं, बोले जिसको पर में ठाकुर का अति मतलब विशेष कृपा हो। देखो आज कथा आज प्रोग्राम कहाँ पर था बताओ, कहाँ पर था आज प्रोग्राम, कहाँ पर था? माता जी घर में थी हैं, शशिकला आनंदमयी जी घर में थी, लेकिन तो कथा बदल गई कैसे? ये कथा फिर कहाँ पर आ गई? पर श्री राहस्य प्रिया जी घर में अपनी आप कथा पता नहीं कैसे घूम करके और एक दिन अंदर में अब सवेरे सवेरे ना कल ना आज है, इसलिए आज सवेरे सवेरे इसको पता चला नहीं। हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी बोले नहीं हमारी ये लास्ट दिन है, हम चाहते खूब कीर्तन करें अब खूब मृदंग बजाए, लेकिन वहाँ पर संभव नहीं, पास में मुसलमान एक रहता है हाँ वो विरोध करेगा, इसलिए बोले नहीं राष्ट्र प्रिया जी को घर में रखो क्योंकि अड़ोस बड़े से इनकी अच्छे है, इनके अड़ोस बड़े से अच्छे है, कीर्तन में कुछ बोलेंगे नहीं है। इसलिए बोले कथा कहाँ से कहाँ तक आ गई, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सूत बीत और दारा पापी को भी होए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जगत में दो चीज बड़े किस्मत वालों को मिलता है, बोले वो दो चीज क्या है, बोले संत समागम हरि कथा, बोले संतों की समागम
और जो भगवान की जो कथा है, तुलसी दुर्लभ दोय, कहते ये जो दो चीज बड़े दुर्लभ है, लेकिन धन दौलत पुत्र परिवार दुनियादारी, बोले भैया एक दुष्ट व्यक्ति को पास में भी हुआ करता है, रावण को पास में, शिशुपाल दंतवक्र कंस इनको पास में धन दौलत पुत्र परिवार कमी नहीं थी, लेकिन भगवान की जो कथा है ये चीज बड़ा दुर्लभ वस्तु है। इसलिए आज हम लोगों को भर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा बड़ी आशीर्वाद है जो कि हम थोड़े समय बैठ करके भगवान की कथा और कीर्तन सुन रहे हैं। आज हम लोग जो कथा सुनेंगे हाँ वो माधुर्य कादंबिनी, अभी मैं जितना दिन रहूँगा कोशिश करूँगा ये माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ से थोड़ी 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 कथा सुनाने के लिए। कहते जो माधुर्य कादंबिनी जो ग्रंथ है, देखो सबके सब थोड़ी थोड़ी याद रखना ठीक है, और मैं देखूँगा दूसरे दिन मैं देखूँगा मेरे को थोड़ी थोड़ी कौन बोल पाता है। राशप्रिया सब बैठ जाओ चुपचाप, अभी कथा सुना, मैं देखूँगा दूसरे दिन मेरे को कौन बोल पाएगा, जो बोलेगा ना मैं इसको इनाम दूंगा। मेरे को जो थोड़ी बहुत बोल देगा उसको मैं इनाम दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। देखो कैसे सुननी चाहिए, श्रोता कैसे होनी चाहिए, बोले एक समय एक व्यक्ति किसी दुकान में मूर्ति खरीदी करने गए, देखा वो दुकान में तीन मूर्ति थे, तो उन्होंने पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है, बोले पहला नंबर मूर्ति इसका कीमत 100 यूरो, बोले दूसरा नंबर बोले इसका 5 यूरो, बोले तीसरा मूर्ति बोले 5000 यूरो, बोले क्यों ये तीनों मूर्ति तो बराबर है, बोले 3 ग्लास दूध लाओ अभी इसमें क्यों फर्क मैं अभी दिखाऊंगा। अभी जिसका कीमत था 100 यूरो जब उसको कान में डाला है ना वो जिधर डाला उधर निकल करके आ गया, बोले इसका कीमत है 100 यूरो, बोले क्यों सुनता तो है लेकिन जिधर सुनता उधर से निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत कितना 100 यूरो। अभी दूसरे मूर्ति बोले इसका कीमत कितना, बोले 500 यूरो, जब उसको कानों में इधर दूध डाला सीधा दूसरे कानों से निकल गया, बोले ये कथा तो सुनता है लेकिन इधर सुनकर के इधर निकाल देता है इसलिए इसका कीमत 500 यूरो। तीसरा मूर्ति का कीमत कितना था 5000 यूरो, बोले उसको कान में जो दूध डाला ना एक बूंद भी बाहर नहीं वो पूरा के पूरा अंदर में चला गया, बोले ये जो कथा सुनता है एक बूंद बाहर निकलने नहीं देता वो पूरा के पूरा अंदर में ले जाता है। इसलिए हमें कितने ईरो की मूर्ति होनी चाहिए, श्रोता होनी चाहिए 5000, कितने होनी चाहिए 5000 का, ठीक है ना। इसलिए ये ग्रंथ का नाम है माधुर्य कादंबिनी। ये ग्रंथ हमारी संप्रदाय में एक अनमोल एक अद्भुत ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसी संप्रदाय में भी ये ग्रंथ उपलब्धि नहीं, ये ग्रंथ केवल हमारे संप्रदाय में ही उपलब्धि है। कहते ये ग्रंथ का क्या विशेषत्व है, क्यों ये ग्रंथ की इतने महत्व, तो गुरु जी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इन्होंने साधन का जो स्टेजेस है उन्होंने बताए, साधन कहाँ से शुरू होता है और साधन करते 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 हम कहाँ तक पहुँचते हैं, हमारी क्या लक्ष्य है जिसको श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताए। भक्ति का साधन कहाँ से, बोले श्रद्धा से, सभी के हृदय में श्रद्धा है तभी आप लोग व हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, अगर हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं होता हम कोई भी यहाँ पर नहीं आते। श्रद्धा हुई दूसरा क्या, फिर साधु संग, फिर यहाँ पर बैठ करके फिर हम हरिकथा सुन रहे हैं। जब हरिकथा सुन करके जब हमें पता चलेगा भैया जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम सबके सब भगवान का ही नित्य दास है, जब ये चीज पता चलेगा हम माया की दास नहीं हम कृष्ण का दास नित्य ही कृष्ण दास है, फिर क्या करेंगे, फिर भजन करना शुरू करेंगे। क्यों, जब हम भगवान की ही दास है तब भगवान की भक्ति सेवा करना हमारी कर्तव्य,
फिर हम क्या करेंगे, फिर भजन शुरू करेंगे। जब भजन शुरू करेंगे फिर हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जो चार तरह का जो अनर्थ है, असत तृष्णा, अपराध है, इसलिए हृदय द्रौबल्य, ये जितने सारे अपराध जब भजन करेंगे सारे ये अनर्थ जो अर्थ नहीं है वो धीरे 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 दूर होगा। उसको बाद में फिर हमारी निष्ठ रुचि आएगी, फिर रुचि बढ़ते बढ़ते निष्ठा में परिणत तो होगी, फिर वही निष्ठा ही पर हृदय में भगवत भाव को जागृत करेगा। और हृदय में जब ये भगवत भाव हृदय में प्रकट हो उसका क्या क्या लक्षण है, इसलिए कभी कभी कृष्ण की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, साधक पागल हो जाएगा, बोले कहाँ से इतने मीठी मीठी आवाज आ रही है। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं, चलने पर ठाकुर की चरण में जो नुपुर है उसका छम 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 नुपुर की धीरे धीरे छम छम आवाज आएगी, उसको सुन करके उसका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और उसको अधरा मृत पिलाया, और जब अधरा मृत पिलाया उस समय में जैसे कोई मीठा चीज खाए ना, जैसे केक कोई चॉकलेट मीठा जिनिस का क्या करता हो अपना होठ को चाटते हैं ना, वो होठ को चाटने लग जाएगा। मानो ठाकुर जी आए, हम बड़े मीठी मीठी हमें अपना अधरा मृत पिला करके चले गए। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए उसको स्पर्श किया है, स्पर्श करते ही उसका रोंगटे खड़े होने जाएंगे, उसका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे मानो ठाकुर जी स्वयं सामने प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, ठाकुर जी में इतने ज्योति इतने प्रकाश है, उसको जो आंख है ना चकाचौंध हो जाएगा, ठाकुर जी दर्शन दे दिया चकाचौंध हो जाएगा। इसलिए इकती ये जितने सारे लक्षण हैं, कभी कभी उसको लगेगा ठाकुर स्पर्श हमें किया है, ठाकुर जी हमें स्पर्श कर रहे हैं, इतने आनंद उसको, इतने आनंद उसको प्राप्ति होगी है, इतना आनंद। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस सब चीज को बताते हैं। और जो प्रेमावस्था आएगा ना, उदाहरण देते हैं जैसे फूल, जैसे फूल खिलता है, फूल न खिलने पर क्या होता है, उसको सुगंधि चारी तरफ में उसको सुगंधि जाती है, सुगंधि जाने पर उसी समय में जो भ्रमर क्या करता है, भ्रमर मधुमक्खी उड़ते हुए श्री मधुमक्खी आता है और आ करके उसने मधुपान करता है। उसी तरह कहते जब हृदय में कृष्ण का प्रति प्रेम प्रकट होगा उसी समय में क्या होगा, बोले सांद्रनाद विशेष आत्मा श्री कृष्णाकर्षण चसा। इसलिए उसकी दो लक्षण दिखाई पड़ता है, क्या है, जैसे दूध को गर्म करो ना, जैसे दूध गर्म करो, दूध गर्म करते करते राबड़ी बन जाता है। राबड़ी खाए हो, कौन कौन खाए हो, इसलिए जैसे राबड़ी बन जाती है, हैं? और उसको बाद में कहते कृष्ण रूपी भौरा। अभी साधकों को कृष्ण को पास में जाने का जरूरत नहीं, कृष्ण साधकों को दर्शन करने आते हैं, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन से कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसे गोपियों के घर में गोपियां कृष्ण के पास में नहीं जाते थे, कृष्ण रोज गोपियों के घर में आते थे और मक्खन चोरी करते थे और गोपियों को दर्शन देते थे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने उन्होंने जो ये साधन का जो क्रम को उन्होंने बताए, ये साधन का जब उन्होंने क्रम को बताए हैं, अभी फिर रूप गोस्वामी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को माना जाता है रूप गोस्वामी का दूसरा अवतार। रूप गोस्वामी ने ही फिर दो बार उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में आए और आ करके अभी हम तो कहते हैं श्रद्धा, लेकिन इस श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है, श्रद्धा कहते किसको है, श्रद्धा की क्या डेफिनेशन है। एक होता है लौकिक श्रद्धा और एक होता है शास्त्र जनित जो श्रद्धा है, पक्की श्रद्धा है। जो लौकिक श्रद्धा होती है, अगर थोड़ी भजन में थोड़ी सी उल्टा पुल्टा इधर उधर हो जाए ना,
अब देखना भले ही हम कुछ छोड़े नहीं छोड़े, पहले माला छोड़ देते हैं, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पहले क्या छोड़ देंगे? बोले हम भगवान की भजन किया, ठाकुर यही से क्या, बोले माला रहे जाओ, लेकिन और कोई चीज को छोड़ेंगे नहीं, पहले माला, मतलब भजन छोड़ने के लिए पहले हम तैयारी बैठे, ये भजन कब हमसे छूटे हैं, इसको कहते हैं ये लौकिक श्रद्धा। लेकिन यही श्रद्धा जब बढ़ते 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 दृढ़ श्रद्धा होता है, भले ही दुनिया में कुछ क्यों नहीं हो जाए, एक दिन तो दुनिया हमसे छूटेगा ही, एक दिन दुनिया हमें छूटेगा ही, हम नहीं छोड़े दुनिया हमें ही छोड़ देंगे, लेकिन भगवान की माला कभी नहीं छूटेगा। ठाकुर जी की माला कभी नहीं छूटेगी, उनको पता है भैया जिंदगी में जो कुछ करो अंतिम समय में बोलेंगे राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोला गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने प्रभु का नाम लिया है ना, भजन किया, वही जा रहा है, पत्नी दरवाजा तक जाएगी, परिवार शमशान तक, उसको आगे कुछ भी जाने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे साध गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे साध गुरु, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जीवन में जितने प्रभु का भजन किया ही मिला और जगह में सब ही खो पायो, जगत में सभी गया है। इसलिए जब पक्की श्रद्धा होगी, इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले तीन तरह का भक्त बताए, कितने तरह का भक्त है। हाँ देखो ये चीज को सब याद रखना, ठीक है ना, मैं देखूंगा मेरे को कौन थोड़ी थोड़ी बोल पाता है, जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा। देखो ये चीज को ना अगर अच्छे तरह से सुनेंगे, देखो एक होता है सुना भूल गए, एक होता है ना सुना भूल गए, लेकिन एक होता है नहीं। जब हम मथुरा में रहते थे, जब हमारे भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जब कथा करते थे ना, हम सबको पास में नोटबुक होता था, श्री माधव महाराज, बन महाराज, मैं और वहाँ तीर्थ हमारा, हम जितने जितने महाराज होते थे ना, एक काफी और एक पेन रखते थे, हर कथा को हम नोट करते थे, हर कथा को, क्योंकि गुरुदेव दूसरे दिन पुनः पूछते थे। बोले क्यों पूछते थे गुरुदेव? देखो गुरुदेव ने मतलब हम लोगों को हरि कथा गुरुदेव सिखाया कैसे, जैसे एक बच्चे का हाथ पकड़ा करके, जैसे किसी बच्चे के हाथ पकड़ा करके हम उसको चलाना सिखाते हैं, गुरुदेव ऐसे सिखाया तभी हम लोगों ने सीख पाए, नहीं तो हम नहीं सीख पाते। इसलिए जो गुरु है ना, जो टीचर है, वो स्टूडेंट नहीं बनाता है, टीचर सबको टीचर बनाता है। टीचर क्या करते हैं, दूसरों को टीचर बनाता है, स्टूडेंट नहीं बनाता है, टीचर दूसरों को टीचर बना देता है। इसलिए गुरुदेव ऐसे ही, हमको पता था गुरुदेव दूसरे दिन पूछेंगे, इसलिए जब हम कुछ सीखने के लिए सुनते हैं ना, हर चीज को हम अच्छे तरह से याद रखते हैं, हर चीज अच्छे से हम चीज को याद रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो बोलेगा उसको हम इनाम देंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए ऐसे सुनना, ऐसे सुनना जैसे थोड़ी बहुत याद रखे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते तीन तरह के भक्त है, कितने तरह के? तीन, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। बोले इसका लक्षण क्या है, कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या और मध्यम और उत्तम? देखो अगर ये कथा को अच्छे तरह से हम सुनेंगे ना, फिर हम तो कनिष्ठ है ही है, लेकिन हम फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे मध्यम में आने के लिए, फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे उत्तम में आने के लिए, हैं, जब ये चीज को हम सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे ना, फिर तो कनिष्ठ से कनिष्ठ फिर बन जाएंगे, छोटे से छोटे बन जाएंगे। देखो बोले कनिष्ठ भक्त का क्या लक्षण है, बोले कनिष्ठ भक्ति का लक्षण ये है, भक्ति तो करते हैं,
हरिनाम करेंगे, तिलक करते हैं, माला जप करते हैं, रोज तुलसी परिक्रमा करते हैं, लेकिन कभी कभी, हर समय नहीं, कभी कभी करते हैं, लेकिन इनका जो भक्ति है ना वो डामा डोला है, जैसे दिया जल रही ना उसका दिया जैसे कभी कभी लो ऐसे ऐसे होता है। हाँ कभी करेंगे नहीं, कभी माला जहाँ के तहाँ लटक रह जाएगी, हाँ हरिनाम करेंगे नहीं, हैं कभी कभी करें, इसको कहते हैं ये कनिष्ठ भक्त है। जिनका भक्ति अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए फिर तो कभी कभी भक्ति ही छोड़ देते हैं, कहते ये कनिष्ठ भक्त है। कहते मध्यम भक्त किसको कहते हैं, मध्यम भक्त उसे कहते हैं, कहते अपना जो साधन है पक्का है, रोज टाइम से उठेंगे, उठ करके नहा धो करके तिलक करेंगे, रोज तिलक करेंगे, रोज ठाकुर का आरती करेंगे, तुलसी परिक्रमा करेंगे, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन भजन गाएंगे, रोज अपना नियमित पूर्वक अपना माला करेंगे, रोज हैं नियमित पूर्वक माला करेंगे, रोज जय ध्वनि देंगे, हैं अपना जो भक्ति है अपना जो साधन भजन को ठीक से कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरों को समझा नहीं पाते, दूसरों को समझा नहीं पाते, लेकिन अपना जो साधन भजन है एकदम पक्के है, इसको कहते हैं मध्यम। बोले उत्तम कौन है, बोले उत्तम वे हैं अपना साधन भजन तो एकदम परिपक्व, साधन भजन अपना एकदम पक्का है, भले ही जो कुछ हो जाए अपना साधन भजन को ठीक रूप में संख्या पूर्वक नाम गान नति भी परिक्रमा अपना साधन भजन तो करेंगे, लेकिन दूसरों को भी समझा बुझा करके दूसरों का मन को भी प्रभु का भजन में जुड़का दे, अपना भजन को परिपक्व है, लेकिन भले ही कोई व्यक्ति जैसे कभी कभी जो कनिष्ठ अधिकारी भजन करते हैं अगर कोई कोई थोड़ी थोड़ी इधर उधर बात बोल दे ना, अरे भजन करने से क्या होता है, तुमने इतना दिन भजन किया देखो तुम्हारे घर में ये अमंगल आ गया, तुम्हारे घर में ये हो गया वो हो गया, अरे सब बेकार भजन है, बस इतने में बुद्धि बदल जाती है। हाँ ये तो सही बता रहे, हम भगवान का इतना भजन किया और हमारे साथ में ऐसे क्यों हुआ, क्या करता फिर भजन को छोड़ देता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है हैं अपना भजन तो पक्के हैं, लेकिन दूसरों को भी जितने तर्क वितर्क करने पर भी कोई व्यक्ति, लेकिन दूसरों को भी जो समझा बुझा करके भगवान की भक्ति में लगा दे, दूसरों को भी भक्ति में लगा दे, अपना भक्ति भी पक्की और दूसरों को भी पक्की बना दे, ये कौन है, कहते ये उत्तम है। अभी बताओ कौन बोलेगा, कनिष्ठ मध्यम उत्तम का लक्षण कौन बोल पाएगा, बोलो अभी किसको याद है, जैसे तुम बोल सकते हो बोलो, हाँ इस डज में बोलो उसको माइक दे दो, हाँ हाँ बोलो, हाँ डज में बोलो, zijn zeg maar bhaktas die een beetje wankelen en ze kunnen dan eigenlijk elk moment van het pad afdwalen. Dus als iemand tegen hun zegt van ja, wat ben je aan het doen en een beetje negatief praat over bhakti, dan kunnen ze gelijk gehersenspoeld worden en denken ze ja, inderdaad, wat ben ik eigenlijk aan het doen, en dan kan je eigenlijk je je bhakti ga je dan gewoon laten, dan laat je je mala, laat je puja, alles. Nou, dan heb je medium adhikari en dat zijn bhakta's die echt helemaal pakka zijn in hun bhakti. Dus dan doen ze echt helemaal loyaal hun japamala chanten, bhajan, kirtan, mangal arti, tulsi parikrama. Maar dat zijn wel degene, ze doen alles precies volgens het boekje, maar ze kunnen anderen niet, zeg maar, samjhouden. Dat kunnen ze niet. Nou, dan heb je uttam adhikari bhaktas. En dat zijn bhaktas die dan, zeg maar, hetzelfde zijn als medhyam. Alleen, zij kunnen kennis bijbrengen door, zeg maar, ja, hari-katha te doen. En in gesprek gaan met mensen, zodat, en ook, even kijken, ja, met mensen in gesprek gaan, kennis bijbrengen en ook dat ze andere mensen bhaktas kunnen maken. En dat zijn de drie verschillen. Oh.
देखो देखो इसलिए मैंने इसका दो बार उसको रिपीटिंग किया, आपको पूरा दिल में बैठ जाए चीज को। अभी जो थोड़ी थोड़ी भक्ति में कमजोरी है ना, थोड़ी कमजोरी, वो कोशिश करेगा नहीं भैया हम कनिष्ठ से क्या करेंगे मध्यम में आने के लिए, कनिष्ठ से छोटे से और एक स्टेज ऊपर आने के लिए, ठीक है ना। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए, इसलिए श्री जो माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में इन्होंने ये सब चीज को उन्होंने कैसे श्रद्धा की क्या लक्षण है, उसको बाद में निष्ठा की क्या लक्षण है, भाव का, इस सब चीज को उन्होंने एक एक कर बताए। जब हम साधना भजन करेंगे, और एक चीज अच्छी चीज समझाए, बढ़िया चीज उन्होंने जो ग्रंथ है ना, इसको एक बार अगर आप सुन लोगे कभी जिंदगी में भक्ति नहीं छोड़ोगे, कभी जिंदगी में आप भक्ति कभी छोड़ोगे नहीं। क्यों? अब हम सुनेंगे आगे धीरे धीरे सुनेंगे भजन करने पर, पहले कैसे उत्साहमयी, बड़ा उत्साह, पहले जब गुरु जी के पास में आए, कथा सुने, हरि कथा सुने और विजय की सेमिनार को देखे, बोले भैया भैया जीवन में भजन करना ही जीवन का एक कर्तव्य, वो कर्तव्य नहीं। लेकिन वो कुछ दिन बाद में ना जो घन है फिर तरल हो जाता है, फिर वो जो निष्ठा है ना कभी कभी धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाती है, फिर विषय संग्रह नियम खेमा उसको इतनी अच्छी तरह से आगे हम धीरे धीरे सुनेंगे, फिर धीरे धीरे साधक का जीवन में कैसे आता है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते 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 एक दिन पूरा इसके लिए विचलित नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने पहले हरिनाम लिया, भक्ति लिया, उसको बाद में थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी इसके लिए विचलित नहीं होनी चाहिए। विश्वनाथ को ठाकुर विचलित मत हो, कंटिन्यू आते रहो, करते रहो, फिर करते 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 एक दिन पूरा एक एक स्थिति पर आ जाओगे, फिर तुम्हारी डामाडोल होने वाले नहीं। बहुत अच्छी बात बताए, हम ये चीज को धीरे 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 चीज को हम सुनेंगे, हमारी भक्ति कैसे पक्की हो जाए, भक्ति हमारी कैसे पक्की, भक्ति कैसे हो जाए, भक्ति से कैसे हमारा च्युत नहीं होनी चाहिए। ये अद्भुत ग्रंथ है, कैसे ये अनर्थ को दूर करेंगे धीरे धीरे करते 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 करते, कैसे कैसे आगे आगे क्लास वन से टू, टू से फिर थ्री, थ्री से फिर फोर, फोर से फिर फाइव, फाइव से फिर सिक्स, सिक्स से फिर सेवन, और सेवन से फिर एट, बस एट में जाप कृष्ण दर्शन, वाह लड्डू, फिर तो हाँ, फिर तो मीठा मीठा फल, बगैर छिलका गुठली हाँ, रहित एकदम पक्के हुए फल, बस बैठ बैठ के चका चका खाओ और क्या। हाँ, इसलिए इसमें उन्होंने ये सब चीज को ये ग्रंथ में उन्होंने वर्णना किया है, इसलिए ये ग्रंथ का नाम उन्होंने क्या दिया, ये ग्रंथ का नाम दिया माधुर्य कादंबिनी। भैया कितना बजे कथा खत्म हो, विश्राम करेंगे, कितना बजे विजय, अभी कितना हो गया, हाँ और सुन सकते हैं, हाँ ठीक है सुन लो, 10 मिनट 20 मिनट सुन लो। हाँ देखो ये ग्रंथ का नाम है माधुर्य कादंबिनी। ये ग्रंथ का नाम क्यों माधुर्य कादंबिनी बता, इस चीज को अच्छे तरह से समझो। माधुर्य मतलब होता है मधुर वा मीठा, माधुर्य मतलब होता है मीठा, हाँ मीठा। इसलिए कहते भैया ये क्या माधुर्य है, क्या चीज, बोले भगवान कृष्ण के जो लीला, उनका जो कथा, उनकी जो जो उनकी नाम रूप गुण, ये मधुर है, मीठा से मीठा। इसलिए वेद भगवान के लिए क्या कहता है, भगवान क्या है, बोले अखिल रसामृत मूर्ति, मतलब भगवान पूरा अखिल जितने सारे रस का जो मूर्तिमान कौन है, भगवान कृष्ण। इसलिए उपनिषद कहता है कृष्ण कौन है, रस बैस, मतलब रसी रस है। रसगुल्ला खाए हो, देखना रसगुल्ला जिधर खाओ ना उधर मिठाई मिठाई है, इसलिए कृष्ण पूरा ही पूरा कृष्ण मिठाई। इसलिए वल्लभाचार्य जी, इसलिए उन्होंने मधुराष्टक, मधुराष्टक लिखे, वो मधुराष्टक में कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले अधरंग मधुरंग बदनंग माधुरंग नयनंग माधुरम असितंग माधुरंग बदनंग माधुरम नयनंग माधुरम असितंग माधुरम गमनंग हृदयांग माधुरं चरितांग माधुरं हृदयांग
भगवान की देखना भी मीठा है, भगवान की हंसना भी मीठा है, ठाकुर जी की चलना भी मीठा है, उनका पूरा ही पूरा मीठा ही मीठा है ठाकुर, पूरा ही मिठाई है भगवान हैं। इसलिए माधुर्य मतलब होता है मीठा, मधुरता, चारुता, सुंदरता। इसलिए कहते जो भगवान की जो मधुर मधुर माधुर्य है, विशेष करके कहते भगवान में चार ही माधुर्य है। कितना माधुर्य है? चार। जो चार माधुर्य और किसी में नहीं है, और किसी देवा देवी में, किसी भगवत अवतार में नहीं, केवल कृष्ण में ही ये चार माधुर्य है। बताओ क्या क्या माधुर्य है, कौन कौन बोलेगा बोलो। जो भगवान कृष्ण में जो चार विशेष माधुर्य और किसी अवतार में भी नहीं, इसलिए कृष्ण को जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म क्यों बताया, कृष्ण को क्यों अखिल रसामृत बनाया, कारण किया, बोले जो चार गुण और किसी के अंदर में नहीं, ये कृष्ण के अंदर में। क्या क्या माधुर्य, कौन बोलेगा बोलो, कोई एक एक बोलो। देखो ये बेटी ने बोले, बोला क्या माधुर्य? हाँ ठीक है, थैंक यू, इनके लिए ताली बजाओ, इनके लिए ताली बजाओ। हाँ एक बेटी माधुर्य, और एक माधुर्य कौन बोलेगा बोलो। हाँ रूप, इनके लिए ताली बजाओ, रूप माधुर्य, और एक माधुर्य कौन बोलेगा, कौन बोला, किसने बोला लीला, हाँ उनके लिए ताली बजाओ। और एक माधुर्य है, वो माधुर्य कौन, तीन माधुर्य हो गया, नहीं वो तो हो गया, हो गया बेणु माधुर्य, और हाँ हाँ इसके लिए ताली बजाओ। इसलिए हाँ कहती है भगवान की चार ही माधुर्य, जो और किसी को अंदर में ये माधुर्य नहीं, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। पहला माधुर्य प्रभु की लीला माधुर्य, लीला माधुर्य मतलब देखो भगवान तो बहुत हुए, राम भी हुए हैं, नरसिंह देव भी हुए, बामन देव भी भगवान हुए। देखो मेरे देखूंगा चार ही माधुर्य में जो आज बताऊंगा, मेरे को कौन बोलेगा दूसरे दिन, कौन बोलेगा? इसलिए अच्छे तरह से देखो, ऐसे नहीं दूसरे दिन कथा में नहीं आओगे आप, बोलोगे अरे महाराज हमें पूछेंगे नहीं, जो 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 बोलेगा नहीं हम उसको पूछेंगे नहीं, जो बोल पाएगा वो बोल लेना, मैं प्रेशर किसको नहीं करूँगा। लेकिन जो देखो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग सब पुराना हो गए हो, इसलिए हम कुछ सिखा करके जाना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसे नहीं क्लास वन में रह जाओ, 2, 3, 4, 5 में जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं किसको जोर जबरदस्त बोलूँगा नहीं, लेकिन जो बोलेगा हम उसको उत्साह देंगे, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी गुरुदेव जिस दिन बोलते थे पूछेंगे, दूसरे दिन कोई क्लास में नहीं आते थे, बोले हो ना हो गुरुदेव हमें पूछेंगे तो नहीं, हम किसी को पूछेंगे नहीं, जो बोल पाएगा वो बोले, ठीक है, जो याद करके बोल पाएगा वो बोले, सबको उत्साह दूंगा, लेकिन जोर जबरदस्ती किसको पूछूंगा नहीं, ऐसे नहीं एकदम कथा भी नहीं आओगे, बल्कि दूसरे दिन सबको बुला करके लेकर के आओ, नहीं चलो महाराज जी कुछ सिखा रहे हैं, हम कुछ कोशिश करें कुछ सीखने के लिए, ठीक है ना। इसलिए पहला माधुर्य है भगवान की लीला माधुर्य। देखो भगवान क्यों कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म बताया गया, कारण क्या है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं भगवत का जो सार माधुर्य में, कृष्ण को क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया, कहां जो भगवान तो भगवान है, इसलिए एक रूप गोस्वामी पहले बोलते थे भगवान की जो सौरभता, भगवान की जो महिमा ऐश्वर्यता में, लेकिन इसी रूप गोस्वामी ने आकर के बताया नहीं, भगवान की सर्वश्रेष्ठता माधुर्य में, इसीलिए कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, उनके अंदर में ये मधुरता है। बोले क्या है मधुरता है? पहला मधुरता उनके लीला माधुर्य। देखो भगवान बहुत हुए हैं, लेकिन अभी भगवान ने राम किसका झूठन खाए हैं, नरसिंह देव किसका झूठन खाए हैं, बामन देव किसका झूठन खाए, भगवान का झूठन सारा दुनिया खाता है, लेकिन कृष्ण ऐसे एक अवतार हुए हैं जो भक्तों का झूठन खाए। अगर कोई पेड़ के ऊपर में देखा है ना, कोई फल है, नीचे 2, 3, 4 सखा खड़े हो जाएंगे, उसको ऊपर में 2, 3 सखा और खड़े हो जाएंगे, और उसको ऊपर में और 1, 2 सखा और ऊपर 1 सखा खड़ा हो जाएगा,
और वो फल को तोड़ेगा, तोल करेगा ना, वो पहले तो थोड़ा खा लेगा, खा करके जो नीचे सखा और थोड़ा खा लेगा, और उसका नीचे सखा और थोड़ा खा देगा, और नीचे सखा, और कृष्ण के पास में जो आएगा ना गुठली आएगा, गुठली समझते हो, उसका सीड आएगा, और कृष्ण उसको खा करके, अरे ये तो आम बड़ा मीठो आम है, बड़ा मीठा है, हाँ बड़ा मीठा है, और कृष्ण उसको चाट चाट। अभी ऐसे कोई भगवान हुए हैं, सारा भगवान तो भगवान का झूठन तो दुनिया का है, लेकिन भगवान किसका झूठन का है कभी सुने हो? नहीं। कभी भगवान अगर हार गए, सखाओं के साथ में खेलते खेलते हार गए, श्रीराम कहते कन्हैया घोड़ा बन, पहले हम घोड़ा बने, अभी तेरा नंबर है, तू हार गया तो घोड़ा बन। कृष्ण कहते भैया मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। बोले घोड़ा नहीं बनोगे? ए कृष्ण को अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं करना, सब अलग हो जाओ, कृष्ण कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं नहीं ऐसे मत करो, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, मेरे को ऐसे अकेला मत करो, देखो कहाँ भगवान है, हाँ और घोड़ा बनते हैं, सखा कंधे पर बैठता है, और उसको माठ बनने से भांडरी बैठ तक ले जाते हैं घोड़े बन करके। अभी तो कोई भगवान हुए हैं, सारा दुनिया को माया से भगवान बांध कर रखे, लेकिन मैया जसोदा कृष्ण को उखल में बांधे, सारा दुनिया की कान पकड़ करके भगवान उठाते बैठाते हैं। अगर कृष्ण अगर मिट्टी खा लिया, कृष्ण मैया सीधा और कहीं नहीं पकड़ती हैं, कृष्ण का कान पकड़ती है, बोले क्यों रे चोर चोट्टे, हमारे घर में क्या मक्खने की कमी? तुम दूसरे घर में मक्खन चोरी चोरी कर खाते हो, उनको चोर चोटे गाली देते हैं, हैं? इसलिए अगर कभी राधा रानी मान कर लेती है, कृष्ण क्या करते हैं, अपना मौर मुकुट उतार कर रख देते हैं, अपना बंसुरी रख देते हैं, राधा जी की चरण में गिर पड़ते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान का जो लीला है ये रास लीला। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, संति यद्यपि में प्राच्या लीला मनोहरा, नाही जाने स्मृत रास मन में किदृश भवित। भगवान खुद कहते हैं यद्यपि मेरा अनंत लीला है, मेरी अनंत लीला है, लेकिन मैं जब अपना रास लीला के बारे में जब मैं चिंतन करता हूँ, पता नहीं मेरे मन में क्या हो जाता, मेरे को पता नहीं चलता। रास लीला इतनी श्रेष्ठ लीला भगवान की, जहाँ पर कृष्ण गोपियों के चरण में प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, इसलिए ये भगवान की ये पहला लीला। कौन सा उनका माधुर्य? कौन सा माधुर्य हो गया उनकी लीला माधुर्य, पहला माधुर्य, ठीक है, याद रहेगा ना। अभी मैं पूछूंगा, अभी देखता हूँ कौन कौन उत्तर देता है। और दूसरा जो माधुर्य है, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम। दूसरा माधुर्य भगवान की प्रेम माधुर्य, बोले प्रेम माधुर्य रूप गोस्वामी दो उदाहरण दिए। बोले क्या उदाहरण दिया? पहला उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं, भगवान जब रासलीला करते हैं, ब्रह्मा का एक रात, बोले एक रात कितना, ब्रह्मा की कितना एक रात कितना बड़ा है? बोले 1000 चतुर्युग, 1000 समझ रहे कि नहीं, चतुर्युग। बोले कलियुग का परमायु 4,32,000 साल, द्वापर का इसका 2 गुना कर दो, तृतीया को 3 गुना कर दो, सत्य को 4 गुना करके उसको मिलाओ, एक महायुग होता है। ऐसे 71 महायुग में एक मन्वंतर होता है, और ऐसे 14 मन्वंतर में एक ब्रह्मा का एक दिन, मतलब 1000 चतुर्युग, जो सोच भी नहीं सकते, इतना समय तक भगवान ने रासलीला की। लेकिन गोपियों को क्या लगा? अभी अभी जैसे हम आए और अभी अभी लीला खत्म हो गई। मतलब देखना आनंद में देखना, समय कैसे बीत जाता है ना, आनंद में पता नहीं चलता है, लेकिन दुख में समय बीतना बड़ा कठिन होता है, एक एक पल बीतना बड़ा कठिन होता है दुख में। इसलिए कहते ये एक उदाहरण दिया। बोले दूसरा उदाहरण दिया, कृष्ण जब गोचारण करते हुए कृष्ण आते हैं, हैं? कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं, कृष्ण बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसुरी बजाते हैं, और बंसी ध्वनि को सुन करके जितने गोपियां सबके सब घर से बाहर आ जाती हैं, और ऐसे घूंघट उतार करके कृष्ण को दर्शन करती हैं। लेकिन जब कृष्ण को दर्शन करती हैं, दर्शन करते समय जब उनकी आंखों की पलक झपती हैं, जब गोपियों की आंखों की पलक झपती हैं, देखो आंखों का पलक झपने पर पता नहीं चलता कितने जल्दी झपती हैं, लेकिन उतना समय भी इनको लगता है त्रुटि जुगायते त्वांग मस्पुषतम, हे श्याम सुंदर, जैसे पलक झपते ही जो समय बीतता है, जैसे मानो कितना युग बीत गया,
हाँ, मतलब इन कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है गोपियों की, हाँ, इसको कहते हैं ये प्रेम माधुर्य। दो माधुर्य हो गया, तीसरा माधुर्य हुआ वेणु माधुर्य। बोले वेणु माधुर्य, बोले त्रिजगत मानस आकर्ष मुरली का कुर्जित, बंसी ध्वनि की जो चमत्कारी था, जब भगवान बंसुरी बजाते हैं आकाश में मेघ छा जाती है और फुहारा जैसे कृष्ण को बारिश करते हैं, जितने ऋषि मुनि जितने पक्षियां ऋषि मुनि बन जाते हैं और यमुना उल्टी बहने लग जाती हैं, पेड़ से मधु की झरी बहने लग जाती हैं, गैया घास खाना भूल जाते, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं बंसी ध्वनि को सुन करके, ब्रह्मा का दिमाग चकरा जाता है, चतुसन की ध्यान टूट जाती है और अनंत देव का सिर डगमगाने लग जाती है इनकी बंसी ध्वनि सुन करके। ये तीसरा माधुर्य। बोले चौथा माधुर्य, बोले भगवान की कौन सा रूप माधुर्य, कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर है, लक्ष्मी भी है, जब कृष्ण की सुंदरता को लक्ष्मी भी सुनती है, इनकी मन में भी इच्छा होता है भैया कृष्ण को साथ में रास करूं, कृष्ण से मैं शादी करूं, रास करूं, इतने सुंदर है कृष्ण, इतने सुंदर है, कहते नारायण भी जिनकी सुंदरता को सुन करके उन्हें चोरी करते हैं बच्चों को, चोरी करते, बड़ी लंबी कथा है कैसे चोरी करते हैं बच्चों को, हैं पहले सुने होंगे कैसे नारायण बच्चों को कैसे चोरी किया कृष्ण को दर्शन करने के लिए, हाँ कृष्ण दर्शन कैसे हो जाए, और जो इतने सुंदर हैं, कहते जो मथुरे से कृष्ण और जो वृंदावन का कृष्ण, जब वृंदावन कृष्ण इतने सुंदर, जो मथुरा की कृष्ण वृंदावन कृष्ण की रूप की महिमा को सुनते हैं, मथुरे धीस जो कृष्ण, इनकी मन में चंचलता आ जाती है, वृंदावन के कृष्ण इतने सुंदर, और जो वृंदावन कृष्ण जब अपना मधुरता को अपना रूप माधुर्य को श्रवण करते हैं, पिलर के अंदर में जब अपना परछाई को कृष्ण स्वयं देखते हैं, कृष्ण स्वयं पागल हो जाते हैं। बोले अपर अपर कलित पूर्वम कस्मात कराकारी, कहते भैया इतने सुंदर कौन है, कृष्ण अपना परछाई को देख रहे इतने सुंदर कौन है, कब मैं राधा रानी बन जाऊं और राधा रानी बन करके ये रूप को मैं कब आलिंगन करूं, जो वृंदावन का कृष्ण अपना रूप इतने सुंदर, कृष्ण स्वयं अपना रूप को आलिंगन करने के लिए चाहते हैं राधा रानी बन करके, इसलिए कितना कितना माधुर्य हो गया, चार माधुर्य। अभी एक एक आपसे सुनूंगा, कौन बोलेगा, पहला कौन सा माधुर्य था, भगवान की रूप माधुर्य, कौन किसको याद है थोड़ी मेरे को सुनाओ, किसको याद है, हाँ बोलो सुनो, डच भाषा में सुना, उसको माइक दे दो। और हो गया पूरा राधा रानी की गोपियों की, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, हाँ। और दूसरा माधुर्य, प्रेम माधुर्य कौन बोलेगा, तुम बोलो प्रेम माधुर्य, रेणु बोलो, याद है कि नहीं, रिमेम्बरिंग नॉट रिमेम्बरिंग, डज में बोलो, हाँ इंग्लिश में बोलो, मैं समझ पाऊंगा, हाँ नहीं अंग्रेजी में समझता हूँ, इंग्लिश बोलो, नहीं passing by, but it's only a blink of your eye.
हाँ ठीक ठीक है। और भगवान की वेणु माधुर्य, हाँ तुम बोलो, माइक ले लिया, बोलो। हाँ नहीं ठीक है, नहीं बोलो, कोशिश करो, धीरे धीरे बोलना कोशिश करोगे ना सीख जाओगे। हाँ पहला बार बोलोगे थोड़ी सी शर्म लगेगा, फिर एक बार बोलोगे दूसरा बार बोल लोगे। हाँ डच में बोलो, ठीक है। और कौन बोलवाएगा, कौन कौन बोलेगा, यू कैन टोल, कौन वेणु माधुर्य कौन बोलेगा, बोलो कौन बोलेगा वेणु माधुर्य, त्रिवेदीश्वरी बोलो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। यस और ठीक हाँ प्रेम में तुम बोलो, रूप माधुर्य जितना अच्छी बोल सकती हो, मैंने जो बोला और जो नहीं बोला तुमको जितनी याद तुमको तुम हाँ नहीं जो नहीं बोला वो बहुत जानती है ना, इसलिए कृष्ण कितने सुंदर है उनकी, जो भगवान की रूप माधुर्य क्या जानती हो, है ना, बोलो जितना बोल सकते, तुमक खोली छोड़ा दिया। हाँ इंग्लिश में बोलो, Mathura Krishna is thinking, oh, this Vrindavan Krishna is so beautiful. And when this Vrindavan Krishna is thinking, is looking into the mirror, he cannot imagine all the beauty which is coming from his body, and by which the Mathura Krishna is also getting attracted. This Vrindavan Krishna is thinking, oh, when can I become Radharani? And when can I see with my own eyes, I can relish this beauty and sees and feels what Radharani feels in her heart. And this Krishna, that is why his name is Krishna. Krishna means all attractive. All his limbs, every part of his body is the fully, even his toenails are thousands of moons shining. And even the light which comes from his toenails, which is part of his roop, his beautiful body, enlightens the whole universe. And when all the devotees hear about this beauty, they get attracted and they want to relish. They cannot relish, but they want to become devotees of the Lord, who can relish him in his full form. Yeah, ठीक है। इसलिए कहते ये ग्रंथ का नाम है माधुर्य कादंबिनी, है? माधुर्य मतलब भगवान की जो रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, उनकी लीला माधुर्य, यानी कि प्रेम माधुर्य। कहती है माधुर्य बोले कादंबिनी, मतलब बोले कादंबिनी कहते हैं जो मेघ की माला, जो आकाश में जो मेघ है ना, है आकाश जो मेघ है इसको कहते हैं कादंबिनी, है यही कादंबिनी, मतलब मेघ माला कादंबिनी।
बोले भैया जो मेघ माला जो कादम्बिनी जो मेघ है वो है क्या चीज, बोले मधुरता, वो क्या है बड़ा मीठा है, हैं। इसलिए यहाँ पर फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे, हमारा जो हृदय है ना, हम लोग अनादिकाल से भगवान को भूल गए, भूल करके इसी संसार में आए, और संसार में आकर क्या कर रहे हैं, संसार में तरह तरह का दुख कष्ट को हम भोग कर रहे हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, हाँ कोई बॉयफ्रेंड से दुखी, कई कोई गर्लफ्रेंड से दुखी। इसलिए देखना इस संसार में हम सब दुखी है, फिर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुखी दुखी हम संसार में, लेकिन फिर हम सुखी कैसे बनेंगे, फिर जीवन में हम सुखी कैसे बनेंगे। बोले सुखी तभी बन सकते हैं ये माधुर्य कादम्बिनी, हमारे हृदय एक सूखा मरुभूमि जैसे हमारा हृदय है, हमारे हृदय एक सूखा मरुभूमि है, डीजर्ड है, लेकिन अगर इसके हृदय में अगर भगवान के लीला माधुर्य प्रेम माधुर्य वेणु माधुर्य लीला माधुर्य यही कादन मतलब मेघ अगर हमारे हृदय में अगर बरसे हैं, अगर हमारा हृदय में बरसे है ना, फिर तो हम जीवन में सुखी सुखी जीवन में शांति और जीवन में आनंद तक प्राप्त करेंगे। मतलब है जब तक हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की भजन नहीं करते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, ये चार ही माधुर्य को जब तक हम आस्वादन नहीं करते हैं, तब तक जीवन में हम शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ग्रंथ का नाम रखा माधुर्य कादम्बिनी। अगर जीवन में ये भगवान की भक्ति प्रेम रूपी मेघ में अगर हमारे हृदय में बरस जाए ना, फिर तो जीवन में हम सुखी बन सकते हैं। इसलिए ये ग्रंथ का नाम ये माधुर्य कादम्बिनी दिया, मतलब इसको श्रवण करने पर जीवन में एकदम आनंद आनंद जीवन में शांति और सुख में एकदम भर जाएंगे ये ग्रंथ को अगर हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए हम फिर यहाँ पर इसको यहीं पर रखे, फिर कल से सुनेंगे भैया ये जो मेघमाला कादम्बिनी है क्या चीज, तो उन्होंने उस चीज को किस चीज को साथ में उदाहरण दिया है, हमारे हृदय को किस चीज को साथ में उदाहरण दिए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात इसमें बताए, फिर हम लोग इसको जिस दिन फ्राइडे प्रोग्राम में फिर इस चीज को सुनेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को किसका जो सवेरे अगर किसका समय हो, हम लोग माता जी घर में गोपी गीत हम सुन रहे हैं, जो माता जी घर में सवेरे सवेरे गोपी गीत हम सुन रहे हैं, कितना समय 20-25 मिनट ऐसे सुनते हैं, ये गोपियाँ कैसे कृष्ण विरह में कैसे ये गोपी गीत को गाए, और गोपी गीत गाने पर कृष्ण कैसे उनको बीच में प्रकट हुए, कैसे दर्शन दिए हैं हम इसको, और कोशिश करेंगे सवेरे। प्रभुपाद का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम प्रभुपाद को भक्तों लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग उन्होंने क्वेश्चन किया, प्रभुपाद को अलग अलग क्वेश्चन किया, लेकिन ये प्रभुपाद ने उसको क्या उत्तर दिया, बहुत अद्भुत ग्रंथ है प्रभुपाद का प्रश्न उत्तर ये ग्रंथ है। कहते प्रभुपाद कौन है, बोले ये राधा रानी के नयन मणि मंजरी, ये कौन है राधा रानी की नयन आंखों का जो पुतला, ये श्री प्रभुपाद। जब ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज महल में जब ये सेवा में नियुक्त थे, स्वयं राधा रानी इनको आदेश दी है, बोले नयन मणि मंजरी जाओ, कैसे जगत में ये जीव कितने दुख कष्ट पा रहे, तुम जा करके इनको मेरी उपदेश सुनाओ, और इनको इसी मरते जगत से पकड़ करके मेरे पास में ले आओ। राधा रानी उनको भेजती है और प्रभुपाद स्वयं इसी जगत में आते हैं। अगर ये प्रभुपाद नहीं आते हैं ना, यहाँ जो हॉलैंड में बैठ करके और यहाँ पर थोड़ी जो हम कीर्तन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, चोटी जो थोड़ा हरिनाम कर रहे हैं ना, ये असंभव था, केवल ये प्रभुपाद की वजह से हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की वजह से अभी हम थोड़े बहुत भक्ति करने की प्रचेष्टा कर रहे हैं।
क्योंकि राधा रानी के नयन मणि मंजरी, राधा रानी कौन है, एक तरह से माँ है हमारी, ये माँ है। जैसे माँ कभी बच्चों का दुख नहीं देख सकती है, ये बच्चों का दुख नहीं देख सकती माँ, उसी तरह हम सबके सब उनकी संतान है। इसलिए अगर बच्चे सुखी रहे ना, पिता माता भी सुखी रहते हैं बच्चों को सुख देख करके। उसी तरह राधा रानी की जो दृष्टि ही ये प्रभुपाद रूप में आए और इनकी उपदेश को जो सुनेगा ना, बात सीधा राधा रानी की सेवा में इसकी स्थान मिलेगी। वो अद्भुत ग्रंथ है, हम सवेरे हम उसको भी कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी दो एक एक उपदेश को सुनने के लिए, जिनकी समय होगा आप सवेरे आ सकते हैं, ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, ठीक है। अभी ठाकुर जी का आरती, ठाकुर जी की आरती करेंगे ना, राशि प्रिया।